दोस्तों आज आपके लिए हम अपने इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बहुत सारे सामानों को सस्ता कर दिया है और कई चीजें तो ऐसी हैं जिन पर से जीएसटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। साथ ही अगर आपका बैंक में खाता है तो इसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही आपको बता दें, खुशखबरी के साथ एक बड़ी खबर के साथ आपके लिए दो नए नियम भी हैं जिसकी वजह से सीधे आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको फटाफट से बताने जा रहे हैं कि सरकार ने कल जो जीएसटी की बैठक हुई है उसमें किन किन चीजों को सस्ता कर दिया है और अगर आपका बैंक में खाता है तो इस पर सरकार की तरफ से क्या बड़ी खबर आई है। साथ ही सरकार ने दो भयंकर नियम लागू किए हैं जिससे हो सकता है कि आपको दुख हो। तो ये सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहें, थोड़ा सा भी ना भगाएं। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी भगा देंगे तो हो सकता है कि आप जानकारी मिस कर देंगे और आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी हो जाए। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कल जो जीएसटी की 33वीं बैठक हुई है उसमें किन किन चीजों पर जीएसटी की दरें घटाई हैं जिससे कुछ सामान सस्ते हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, 32 इंच के मॉनिटर और टेलीविजन और एलईडी और साथ ही में पावर बैंक, इन सभी पर पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, जो फ्रोजन सब्जियां होती हैं उनसे जीएसटी को हटा लिया गया है। पहले इस पर 5% का जीएसटी लगता था, यानी पहले जो सब्जी आपको 35 रूपए की मिलती थी अब वो आपको सिर्फ 30 रूपए या 29 रूपए में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, जो फुटवेयर के सामान है जैसे जूते हैं, चप्पल है, सैंडल है, इसी तरह के जो भी सामान है उस पर पहले 18% का जीएसटी लगता था, अब इसे घटाकर 12% कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, जो सोलर पावर प्लांट है उन पर 5% का जीएसटी लगेगा। साथ ही आपको बता दें, जो म्यूजिक बुक है अब इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। आपको बता दें, पहले इन बुक पर 5% का जीएसटी लगता था। साथ ही आपको बता दें, जो थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस है उन पर पहले 18% का जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 12% का जीएसटी देना पड़ेगा, यानी इस पर भी 6% की कटौती कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें, जो व्हील चेयर है यानी विकलांगों के वाहनों के जो भी सामान आते हैं उन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जिसे सीधे घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, जो मूवी टिकट 100 रूपए से कम में आती है उस पर पहले 18% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे घटा के 12% कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, जो 100 रूपए से ज्यादा के मूवी टिकट आते हैं उन पर पहले 28% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, जो धार्मिक यात्रा होती है जैसे हज यात्रा वगैरह हो गया तो उस पर पहले 18% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब कोई अगर इकोनॉमिक क्लास से जाएगा तो उसे 18% जीएसटी के बजाय सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ेगा और अगर वो बिजनेस क्लास से जाएगा तो उसे 18% के बदले 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें, जो रीयूज टायर है उन पर पहले 28% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। तो दोस्तों इतने सभी चीजों के दाम सस्ते हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें, जो खाने पीने की चीजें हैं यानी कि जो सामान आपको अक्सर जनरल स्टोर पे मिलता है उस पर पहले ही से अक्सर चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है। आइए अब आपको फटाफट से बता देते हैं कि इसी जीएसटी काउंसिल में बैंक खाते को लेकर क्या कहा गया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों आपको बता दें, जीएसटी की 31वीं बैठक में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास सेविंग अकाउंट है, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में है या आपके पास जनधन खाता है, तो अब आपको कोई जीएसटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी पहले आप अगर कोई पैसे निकालते थे अपने एटीएम से या कोई भी काम करते थे तो आपको जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब बेसिक सेविंग अकाउंट से और जनधन खाते से हर तरह का जीएसटी खत्म कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों अब आपको फटाफट से ये भी बता देते हैं कि सरकार ने कौन से दो नए नियम लागू किए हैं जिससे आपकी जिंदगी पर सीधे असर पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, पहला नियम ट्रैफिक को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गाड़ी को रॉन्ग साइड में चलाते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो कुछ महीनों के लिए रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको संभलने की जरूरत है। ये एक बहुत भयंकर नियम सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर लागू कर दिया है। दोस्तों बात करें दूसरे नियम की, तो उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, यानी कौन सा सन था वो। तो फटाफट से इसका जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों बात करें दूसरे नियम की, तो आपको बता दें, दूसरे नियम के तहत आपके जो घर में अपना कंप्यूटर है यानी जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, अब उस पर भी सरकार की नजर होगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ एजेंसियों को इसका ठेका दे दिया है, अब वो एजेंसी आपके कंप्यूटर को चेक कर सकती है। तो इसीलिए अब आपको इस चीज में भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके निजी कंप्यूटर पे भी सरकार की नजर होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।